ठीक है, हम लोग क्या पढ़े थे अभी पिछले लेक्चर में कि हम लोग का एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट कैसे होगा। ठीक, मैंने बताया था डिटरमिनेंट लिखा था, मैंने लिखा था ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है, डिटरमिनेंट का था। यहाँ पे क्या बोला था, ट्रेंडिंग वेज में प्लस और माइनस का साइन रहेगा, तो यहाँ प्लस या माइनस, यहाँ प्लस या माइनस, यहाँ प्लस या माइनस, यहाँ प्लस या माइनस, यहाँ प्लस। ठीक, अब इसको हम लोग को ब्रेक करना है, एक्सपेंड करना है, तो ये रूल की सहायता से हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे। तो मैं एक नॉर्मल क्वेश्चन ले लेता हूं, ये तो भाई मुझे बताने का एक तरीका था, एक नॉर्मल क्वेश्चन से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या ये अप्लाई होता है, एप्लीकेबल है या नहीं है। तो एप्लीकेबल होने के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन में लिख देते हैं कुछ भी, मैं अपने आप से बना ले रहा हूं एक क्वेश्चन, 2, 3, 4, 7, 6, 9 एंड 8, 7, 5। ठीक, अब मुझे इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, यानी आपसे क्वेश्चन पूछेगा एक्सपेंड दिस डिटरमिनेंट, या आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्या पूछ सकता है, इवेल्युएट दिस या फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट, कुछ भी इन तीनों में से कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, दिमाग में ले चलेंगे सबसे पहले कि सर ने बताया था, क्या बताए थे, यहाँ पे क्या प्लस, यहाँ क्या माइनस, यहाँ क्या प्लस, यहाँ क्या माइनस, यहाँ क्या प्लस, यहाँ क्या माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। अब इसको एक्सपेंड करना है। ठीक, अब देखिए जब हम लोग डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन करते हैं या एक्सपेंड करते हैं, तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम के अकॉर्डिंग हम लोग उसका क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। आप अगर रो के अकॉर्डिंग भी एक्सपेंड कर रहे हैं तब भी वही वैल्यू आएगी, अगर कोई दूसरा बंदा कॉलम के थ्रू एक्सपेंड कर रहा होगा उससे जो वैल्यू आएगी वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, मतलब आप किसी रो या किसी कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे तो वैल्यू डिटरमिनेंट की चेंज नहीं होगी, ये गलतफहमी आ जाएगा, वैल्यू सेम रहेगी। ठीक, तो मैं एक्सपेंड करने जा रहा हूं क्या, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, फर्स्ट रो, यानी मैं लिखूंगा एक्सपेंडिंग, एक्सपेंडिंग दिस डिटरमिनेंट, आप लिखने की जरूरत नहीं, सिंबल बना लीजिए, एक्सपेंडिंग दिस डिटरमिनेंट। ठीक, कैसे, अलोंग आर वन, आर वन यानी रो आर वन के अकॉर्डिंग मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं। ठीक, आप कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे तब भी वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो R1 के अकॉर्डिंग अगर एक्सपेंड कर रहा हूं तो देखिएगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे डेल्टा, तो लिखूंगा, अब देखिए सबसे पहले मैं R1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर रहा हूं तो तीन ही एलिमेंट के वैल्यूज में आएंगे, 2, 3, 4। जैसे मैं यहाँ लिखा, सबसे पहले 2 लिखा, क्या लिखा मैंने, 2 लिखा। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बस दिमाग लगाइएगा, ये अपने आप चीज आ जाएंगी। अब मैं 2 लिखा हूं, 2 की पोजिशन क्या है, 2 देखिए आर वन और किसमें आ रहा है, सी वन में, मतलब पहले रो और पहले सी वन में, मतलब 2 के सामने का जो रो है उसको छोड़ दीजिए, 2 के सामने का जो क्या है कॉलम इसको छोड़ दीजिए, तो कितने एलिमेंट बचे, तो मैं लिख दिया 6, 9, 7, 5। ठीक है, अब देखिए आर वन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो क्या होगा, अब क्या आएगा, 3 आएगा, लेकिन 3 कैसा, कौन सा साइन दिया है, माइनस, तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का 3। अब 3 के अकॉर्डिंग देखिए, अब 3 है ना, यहाँ पे क्या है, 3 है, तो 3 के अकॉर्डिंग ये वाला रो छूट गया, जिसमें 3 है वो वाला रो छूट गया, जिस कॉलम में 3 है वो वाला कॉलम छूट गया। ठीक, तो ऐसे छुपा के देखिए इस चीज को, देखिए मैं सिखा रहा हूं आपको, इस चीज को ऐसे छुपा के देखिए, इसको यहाँ छुपा लिए, इसको यहाँ छुपा लिए, तो कितने एलिमेंट बचे, देखिए बचता है हमारे पास 7, 8, 9, 5, कितना बचता है, अगर इसको और इसको छोड़ देते हैं तो 7, 9, 8, 5 बच रहा है, तो मैं लिख दूंगा 7, 9, 8, 5, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। ठीक, उसके बाद तीसरा क्या है आर वन में, 4, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 4 लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, 4 के अकॉर्डिंग देखिए इसमें है, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, बचा क्या, 7, 6, 8, 7, देखिए इसको छोड़ने के बाद क्या बचा, 7, 6, 8, 7, 7, 6, 8, 7। ठीक है, तो 7, 6, 8, 7, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, 2 यही रहेगा। अब देखिए 2×2 का मैंने आपको सिखाया, आपको याद होगा, याद होना भी चाहिए, 2×2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 6×5=30, जब नीचे से ऊपर की हो जाएंगे तो आप क्या आ जाएगा, एक माइनस साइन आ जाएगा, 9×7=63। ठीक, यहाँ माइनस, अब यहाँ पे 7×5=35, नीचे से ऊपर जाएंगे तो अपने यहाँ पे एक माइनस, 9×8=72। ठीक, ये 4 हो गया, 7×7=49, नीचे से ऊपर गए तो अपने आप माइनस आ गया, कितना आ गया, 6×8=48, कोई दिक्कत नहीं। अब 2
30 माइनस 63 कितना होता है, 30 में से अगर 63 को माइनस करेंगे तो माइनस का आएगा, माइनस का कितना आएगा बताइए, 3 आ गया, 3 33 आ गया, इधर कितना आ गया 3, 35 में से 72 मतलब 72 में से 35 को माइनस करना है तो माइनस का ही आना चाहिए, तो 35 35 70 हो गया, 2 72 हो गया, कितना हो गया 37, कितना हो गया माइनस का 37। अब यहाँ 4 है, यहाँ 49 माइनस 48 1 हो गया। देखिए अब चीजें आपके लिए कैलकुलेशन एकदम आसान होगी, बस आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है ठीक। डेल्टा इज इक्वल टू 33 थ्रू गया 66 माइनस का, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, अब 37 जा 21 हो गया, 33 जा 9, 9 और 2 11, 111, और 4 बन जा 4, अब देखिए 111 मतलब 111 और 4 115 हो गया, और 115 हो गया यहाँ पे, और माइनस का 66 हो गया, तो हम लोग जब इसको माइनस कर देंगे जो आंसर होगा हमारा डिटरमिनेंट का आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट? जब एक्सपेंशन की बात करेंगे, देखिए जब सारी चीजें क्लियर है, मेन यही चीज है एक्सपेंशन, तो जब भी एक्सपेंशन की बात करेंगे तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ठीक है, और यहाँ पे प्लस माइनस प्लस आपको याद होना चाहिए। उसके बाद जब हम लोग किसी रो के अकॉर्डिंग करें, जैसे मैंने मान लिया कि रो वन के अकॉर्डिंग क्या है, आपको मन में आया नहीं हम सरफनेस करेंगे, हम कॉलम के अकॉर्डिंग करेंगे, तो आंसर सेम आएगा, जाके मैच कर लीजिएगा। हम अगर कॉलम के अकॉर्डिंग करेंगे तो कॉलम के अकॉर्डिंग मान लिया देते हैं, पहला कॉलम लेते हैं तो 2, अगर 2 को लेंगे तो ये और ये छूट जाएगा, 7 को लेंगे तो ये और ये छूट जाएगा, और 8 को लेंगे तो ये और ये छूट जाएगा। क्लियर है? अब इस पे क्वेश्चन आगे आप पुट करिए, 2 क्वेश्चन और करवा दो रहा मैं, उसके बाद आगे इस पे आप क्वेश्चन लगाइएगा, तब तक के लिए इसको नोट करिए। तो आज हम लोग एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे, और कुछ चीजें आपको मैं बता दे रहा हूँ कि क्या एक्सरसाइज, पहले हम लोग एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे, कुछ बच्चों को होता है सर आरडी शर्मा, तो पहले हम लोग एक बेस बना लेते हैं, हर चैप्टर का एक बेस स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही आपका बेस क्लियर हो जाएगा आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा सारे लोग ऐप में या व्हाट्सएप पे कि सर अब इसी चैप्टर को एनसीईआरटी से हो गया, बेस बन गया, अब इसको हम लोग क्या करिए आरडी शर्मा से स्टार्ट करिए, तो आरडी शर्मा से भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। और दूसरी चीज दिमाग में ये है कि अगर किसी के पास बुक मटेरियल नहीं है, बुक नहीं है लेकिन बहुत से बच्चे जानते हैं नेट चलाना सब कुछ जानते हैं, तो एनसीईआरटी का पीडीएफ जाके डाउनलोड कर सकते हैं ठीक। अगर वो भी नहीं होता है अवेलेबल तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं ऐप में ही जहां पे वीडियो कॉर्नर है वहां पे मैं क्या करूंगा आपके लिए एक पीडीएफ एनसीईआरटी का डाल दूंगा, हर एक्सरसाइज का, हर चैप्टर का। क्लियर है ठीक, जिससे आपको इजिली हो जाएगा, आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, इवेल्युएट द डिटरमिनेंट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट ठीक, जो थोड़े क्वेश्चन ऐसे आपको समझा देता हूँ, हिंट दे देता हूँ। देखिए सबसे पहले पहचाने किस कितने क्रॉस कितने का डिटरमिनेंट है, कितने रो 2 रो, कितने कॉलम 2 कॉलम, तो 2 क्रॉस 2 का क्या हो गया डिटरमिनेंट हो गया। तो 2 क्रॉस 2 के डिटरमिनेंट को हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आसान है, बताया हूँ इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका नीचे से ऊपर जाएंगे तो कॉस का कॉस मल्टीप्लाई हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा, और जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो एक माइनस अपने आप आ जाता है, और पहले से एक माइनस है तो साइन का साइन में साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन कैसा साइन स्क्वायर, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत ठीक। माइनस का माइनस प्लस, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, और हम लोग जानते हैं क्लास 10 में पढ़े हैं आइडेंटिटी की कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए फिर से एक फिक्स वैल्यू आती हुई आपके सामने, किसके डिटरमिनेंट की, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये क्वेश्चन आप नोट कर ली गए पॉज करके, एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि इफ ए बराबर 1 2 4 2 1 2 4 2, तो देन शो दैट वी हैव टू प्रूव दैट, हम लोग को क्या करना, सिद्ध करना है कि डिटरमिनेंट ऑफ 2a इक्वल टू 4 ऑफ डिटरमिनेंट a, पढ़ना सीखिए पहले क्या बोलेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ 2a इक्वल टू 4 ऑफ डिटरमिनेंट a, यानी LHS ले लेते हैं, पहले LHS उठा लेते हैं, क्या लिखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ 2a, मतलब जो हमारा डिटरमिनेंट है a की वैल्यू इतनी है तो 2a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो जब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके सारे एलिमेंट में इसका क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, सारे एलिमेंट में क्या होगा इसका मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ये क्या हो गया हमारे पास इस 2a की वैल्यू आ गई, इस 2a की क्या आ गई वैल्यू आ गई। अब जब 2a की वैल्यू आ गई क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग इजिली कर सकते हैं, ये क्या करेंगे 4 2 जा 8, और जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो अपने आप एक माइनस का साइन आ जाएगा,
तो 4 2 8, 8 4 32, 32 में से 8 गया, कितना बचता है 24, यानी माइनस का 24। अगर वो भी 24 माइनस में आ जाता है तो हमारा सही है, अदरवाइज ये क्या है, गलत है। तो आरएचएस निकालते हैं, क्या निकालते हैं, आरएचएस। तो आरएचएस कैसे निकालेंगे, अब दिया है 4 ऑफ डिटर्मिनेंट ए, क्या दिया है 4 ऑफ डिटर्मिनेंट ए, यानी डिटर्मिनेंट ए लिखेंगे और उसके बाद जब उसकी वैल्यू निकालेंगे उस पूरी वैल्यू में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां क्या था, पहले 2 का मल्टीप्लाई किया क्योंकि डिटर्मिनेंट के अंदर था, डिटर्मिनेंट के बाहर कोई नंबर रहेगा पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे उसके बाद उसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू है 4, डिटरमिनेंट 1 2 4 2, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब क्या होगा, 1 का 2 में मल्टीप्लाई होगा, 2 आ गया, ठीक, नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस का साइन आता है, 4 2 जा क्या हो जाता है 8 हो जाता है, 8 में से 2 गया, राघवेंद्र सर कितना हुआ 8 में से 2 गया, कितना हुआ 6, माइनस का 6 क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, तो माइनस का 6 इंटू माइनस का 4 प्लस का, तो आंसर कितना आया माइनस का 24, यानी एलएचएस और आरएचएस की वैल्यू सेम आ गई, यानी हम कह सकते हैं कि ये हमारा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ लिख देंगे, कोई दिक्कत कोई शक नहीं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं फिर आगे, तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बाकी पहला एक्सरसाइज है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, आप खुद से खुद देखेंगे तो आपको क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा, जितना पढ़ाया उसको डेली वाइज आप क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन लगेंगे, अगर नहीं करेंगे तो नहीं पढ़ाई होगा, और एकदम इजी वे में आपको सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं। अब देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वो वैल्यू निकालनी है इफ, अगर आपके पास डिटरमिनेंट दिस बराबर दिस है, तो क्वेश्चन में कुछ भी है नहीं है, नॉर्मल डिटरमिनेंट सॉल्व करने आता है, नॉर्मल सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 बन जा 2, जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस, 5 4 जा 20 माइनस का, और बराबर ये क्या हो गया 2 इंटू x 2x स्क्वायर, 4 6 24, कोई दिक्कत, लेकिन माइनस का क्योंकि नीचे से ऊपर गए हैं। अब देखिए 20 में से 2 गया, माइनस का 18 हो गया, और 2x स्क्वायर माइनस का 24 हो गया, जैसे लग रहा है कि ये क्वाड्रेटिक बनेगा, क्यों, ठीक। अब क्या करेंगे, ये उधर ले जाएंगे तो इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा, इधर हो गया 2x स्क्वायर, अच्छा इसको उधर ले जाते हैं या उसको इधर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपको इजी रहे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो 24 इधर आएगा, 24 प्लस का हो जाएगा 18, माइनस का रहेगा 2x स्क्वायर, ठीक, 24 माइनस 18 कितना होता है, कितना होता है 6, कितना होता है 6, और ये क्या हो गया 2x स्क्वायर, ठीक, डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 3, यानी x² = कितना हो गया 3, तो x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 3, देखिए यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट 3 होगा, ठीक, तो आंसर आ गया x वैल्यू, 2 वैल्यू आ गई, क्योंकि क्वाड्रेटिक बना है तो क्वाड्रेटिक हमेशा कितनी वैल्यू होती है, 2 वैल्यू होती है, 2 इसके रूट्स होते हैं, एक प्लस का 3 और एक माइनस का रूट 3, ये आंसर है, ठीक। आज के वीडियो के लिए इतना ही, आगे आप क्या करेंगे, आगे आप क्या करेंगे, इस चीज को क्वेश्चन लगाएंगे, डाउट क्लियर करेंगे, और कोई भी दिक्कत होगी तो आप पर्सनली पूछेंगे, ठीक, और आगे के पढ़ाई के लिए आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे।